हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं फ्रेश कर रही थी, नाइट का टाइम है ये। तो ये सुबह में मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कपड़े, जैसे मेरे बेटे की ड्रेस है, हस्बैंड को शॉप पर पहन के जाना होते हैं, तो मैं नाइट में ही करके रख लेती हूँ। अगर सुबह में करूँगी तो सुबह में बहुत सारे काम होते हैं, फिर प्रेस भी, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है फिर जल्दी जल्दी में। इसलिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं नाइट में ही करके रख देती हूँ, तो सुबह आसानी हो जाती है। मॉर्निंग में तो बस फिर नाश्ता खाना वगैरह बनाना रहता है, और प्रेस वगैरह मैं ज़्यादातर नाइट में ही कर लेती हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ देखो, बीच बीच में मेरा बेटू आ रहा था कैमरे के सामने, उसको बहुत शौक़ है। हम हाउसवाइफों को तो बस जितना भी टाइम मिलता है तो उसको फालतू जाने देना नहीं चाहती हैं, बस हर काम को सोचती हैं कि जैसे ही टाइम मिले उसे निपटा लें। इसी तरह मैं हूँ, जैसे कि रात में शाम का टाइम था, ज़्यादा ऐसी रात भी नहीं थी, लेकिन अभी खाना बनाने में टाइम था, खाना थोड़ा लेट बनाती हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड भी आते हैं तो गरम गरम खाने को हो जाता है, नहीं तो ठंडा हो जाता है खाना, तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर हम शिवपुरी से हैं तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी भी है, अभी कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है। अभी बज रहे थे 7 बजे का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा पहले मैं प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। तो आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ, आज बनाऊँगी दाल चावल। तो ये बेटू के बहुत मतलब सुबह से ही फरमाइश थी कि दाल चावल बनाओ मम्मा, दाल चावल बनाओ, तो मैंने कहा था शाम को बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा जो एक कुर्ता था वो मुझे मतलब टाइट से लग रहा था, और उधर भी गया था, तो बस मैं अपने उसी कुर्ते को सिल रही थी। तो आप लोग मेरी मशीन देखकर समझ ही गए होगे कि सिलाई करती होंगी, तो हाँ हाँ मैं सिलाई करती हूँ, सूट वगैरह सिलती हूँ, और उसी में रूम में मेरा पार्लर भी है, तो मैं दोनों ही काम करती हूँ, साथ साथ घर के काम के साथ साथ ये काम भी कर लेती हूँ। बेटा और हस्बैंड तो सुबह ही जल्दी जाते हैं, तो फिर और काम भी फिर जल्दी हो जाता है, तो दिन में कर लेती हूँ मैं ये काम भी अपने सिलाई वगैरह का। वैसे सिलाई में बहुत ही कमी करती हूँ, ज़्यादा बैठती नहीं हूँ, तो बैठा नहीं जाता है, इस वजह से मैं सिलाई तो कमी करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। लेकिन हाँ, खुद के सूट मैं कभी सिलवाती भी नहीं हूँ, खुद के तो मैं खुद से ही सिलती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आते हैं किसी और के हाथ के। जब अपने को खुद को आते हैं ना सिलाई वगैरह कुछ भी, जो काम अपन को आता है ना, तो वो अपने हाथों से ही अच्छा लगता है, किसी और के हाथ से अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे अपने सूट अपने हाथ के ही पहनना पसंद है। और ये वाला है ना रियोन का है, लेकिन ये वाला तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, गए थे वो इंदौर गए थे, तो इंदौर से उनको एक सूट मेरे लिए पसंद आया था, ट्राउजर कुर्ता। तो रियोन जो होती है ना, तो रियोन तो टाइट होती जाती है, तो उस टाइम तो ढीला था, तो मैंने टाइट कर लिया था, लेकिन अब मुझे टाइट लगने लगा, वो ठस गया था धुल धुल के, इस वजह से उसे ढीला कर रही थी मैं। तो अब मैं यहाँ अपनी किचन में आ गई हूँ दाल चावल बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, और है ना डलिया में रखे थे बर्तन जो मैंने अभी लगाए नहीं थे दिन में, अब लगाऊंगी मैं इनको। तो यहाँ पे मैं तुअर मूंग की दाल बना रही थी, अब ये सारे बर्तन लगा दूंगी मैं। Thank you.
तो यहाँ मेरे दाल चावल बन गए हैं। अब मैं करूँगी बर्तन की सफाई, बर्तन वगैरह मांजूंगी, क्योंकि रात में ही बर्तन साफ़ कर लेते हैं ना तो अच्छा रहता है, सुबह के लिए बर्तन नहीं दिखते हैं। इसलिए हमारा खाना पीना हो गया, उसके बाद मैं बर्तन मांज रही हूँ, फिर सुबह सुबह में किचन साफ मिलेगी। बेटू देखो अभी तक लेटा नहीं है, बेटू का तो बस यही रहता है जब लेटते हैं ना साथ में तभी लेटता है, जब तक लेटेंगे नहीं ना तब तक नहीं लेटेगा। तो बस यहाँ पे मेरे खाना पीना हो गया, दाल चावल बन गए और यहाँ पे बर्तनों को साफ करके मैं रख रही हूँ। और बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अपना बताइएगा नाम लेकर मैं आपका नेक्स्ट व्लॉग में आपका नाम लूँगी। फिर बताइएगा आपका नाम क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अपना नाम। तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग साथ।